क्या फ्रेशर्स आपके यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं और कुछ दिनों के बाद किसी दूसरे के यहाँ काम करने चले जाते हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आपका शॉप एक ट्रेनिंग स्कूल बन चुका है? जी हाँ, ट्रेनिंग स्कूल बन चुका है, जहाँ पर आप नॉलेज भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और सैलरी भी देते हैं। क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? अक्सर ये चीज़ें जो छोटे डीलर्स होते हैं, छोटे शॉप होते हैं, उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। और जो बड़े दुकानदार होते हैं या फिर बड़े डीलर, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको अक्सर ट्रेंड लड़के की ज़रूरत होती है। वो फ्रेशर्स को लगभग ना के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी बनती है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। काफ़ी कमेंट भी मुझे आ रहे हैं कि स्टाफ जो है टिकता नहीं है, हम उन पर इन्वेस्ट करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो काम करने के लिए दूसरे के पास चले जाते हैं। ऐसे में काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि जिनके पास इतना इन्वेस्टमेंट हमने की, उनको काफ़ी मेहनत से सिखाया, कुछ नहीं आता था, और जब उसे सब कुछ आने लगा, यानी कि जब वो फल देने के लायक हो गया, तब वो किसी और के पास काम करने चला गया। ऐसी परेशानी लगभग हर टेक्निकल सेक्टर में देखने को मिलती है और मैं इसका कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। देखिए, ज़बरदस्ती तो आप नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, और प्यार से दुनिया नहीं चलता, ये आप सभी को पता है, पैसे से दुनिया ये चलती है। ऐसे में आप इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन कुछ तरीके को जरूर अपना सकते हैं जिसमें कि आपको धोखा मिलने के चांसेस कम होते हैं और आपके स्टाफ ज़्यादा दिनों तक आपके पास टिके रहते हैं। एक तो सॉफ्ट तरीका है जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं इस तरीके को, और एक दूसरा तरीका जो थोड़ा हार्ड तरीका, बट आज की ज़रूरत के हिसाब से इसे आपको अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट यानी कि सिंपल तरीके क्या है। यहाँ पर भी कई लोग गलती करते हैं, खासकर सीसीटीवी सेक्टर में जो न्यू कमर्स होते हैं, जिनकी एज उतनी नहीं होती, जिनको एक्सपीरियंस उतना नहीं होता, वो अक्सर ऐसे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। यहाँ पर स्टाफ को प्यार दीजिए, भरपूर प्यार दीजिए, लेकिन उसे सिर पे कभी नहीं चढ़ाइए। यह मेरा कहना है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें देख ली है। आप स्टाफ को प्यार दे रहे हैं, बट प्यार देते देते इतना ज़्यादा कोई सिर पे चढ़ जाता है जो कि आपके बात को काट देता है और आपके खिलाफ कुछ बातें आपके सामने बोल देता है। अगर आप बर्दाश्त कर लेते तो निश्चित तौर पर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो एक ना एक दिन आपको छोड़कर जाएगा और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो यहाँ पर जरूर ध्यान दें, अगर 1% भी आपको कभी लगे कि वो सिर पे चढ़ रहा है, उसे उतारना जरूर सीखिए, उसे उस जगह पर रोकिए, यह बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा पर्सनल बातें याद रखिएगा, पर्सनल बातें कभी भी अपने स्टाफ से ना करें, हो सके तो मैक्सिमम पर्सनल बातें जो है आप छुपा के रखें। छोटी मोटी बातें तो लोगों को पता चल ही जाती है, आप कहीं पर भी काम करते हैं, बट मैक्सिमम आप छुपा के रखें। आप अगर अपनी पर्सनल बात को छुपा के रखेंगे तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें होती है जब वो आपके पास काम छोड़कर जाता है या किसी और के पास जाता है या फिर नहीं भी जाता, तो वो पीठ पीछे आपकी कुछ कमजोरियां होती है उसका मजाक उड़ाया जाता है, जो आपको किसी थर्ड पार्टी के द्वारा सुनने को मिलता है। तो ये चीज़ें होती है, तो अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ से उस स्टाफ को दूर रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और कनेक्ट ही रखना, इतना ही कनेक्ट रखिए जितना कनेक्ट आप रख सकें, हद से ज़्यादा कनेक्ट नहीं रखना है। सैलरी ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सैलरी समय पर दे। सैलरी अगर आप समय पर नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर सबका दिल दुखता है, आपका भी दिल दुखेगा अगर आप उस जगह पर रहते हैं तो। सैलरी नहीं देने के कारण या फिर समय पे नहीं देने के कारण अक्सर मैक्सिमम जो स्टाफ हैं वह टाइम पे काम नहीं करते हैं और वह किसी और जॉब को ढूंढने की तलाश में रहते हैं। तो यहां पर आपकी यह गलती होती है, थोड़ा यहां पर आपको ध्यान देना होगा। बिजनेस की प्राइवेसी को अक्सर छुपा कर रखें, आप उनसे छुपाइए। बिजनेस की जो भी दाव पेच है या फिर बिजनेस की जो प्राइसेस है, आप प्रोडक्ट कहाँ से ले रहे हैं तो कितना प्राइस में ले रहे हैं, क्या डिस्काउंट आपको मिलता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप जितना आप स्टाफ से छुपा कर रखेंगे आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कल दिन वही स्टाफ अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा और आपका ही दुश्मन बन जाएगा और जाने अनजाने में आप अपने दुश्मन को खड़ा कर बैठेंगे। तो यहाँ पर यह बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। अब सॉफ्ट तरीके को तो आपने समझ लिया, अब थोड़ा स्ट्रिक्ट कड़ा। अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी पर समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी फ्रेशर्स को जिसको कुछ नहीं आता है, जीरो
आप उसको ट्रेनिंग करते हैं तो आपका अधिकार भी उस पर बनता है। गवर्नमेंट जॉब में भी अधिकार बनता है, आप देखते होंगे किसी को जॉब मिलती है वो तुरंत नहीं छोड़ सकता, एक टर्म्स बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है। आपको यहां पर भी एक एग्रीमेंट बनानी है, चाहे आप जॉब जब वो आप उनको दे रहे हैं तो वहां पर आप उनसे साइन करा लीजिए, या फिर आप उनको बताइए, या फिर हिडन फॉर्म पर भी आप इससे काम कर सकते, लेकिन यहां पर आपको भी ईमानदार रहना होगा। अब कैसे देखिए, यहां पर मेरे हिसाब से जो टर्म्स होनी चाहिए, जो मैंने भी इसे यूज किया है, कि आपको जो टर्म्स इंक्लूड करना है, जो सबसे पहला टर्म्स है, पहला यह है कि काम छोड़ने के बाद अगर वो काम छोड़ता है किसी भी रीजन से, चाहे वो पर्सनल रीजन हो या फिर कोई भी जायज कारण हो, आपका काम छोड़ता है किसी भी तरीके से, तो उस सेक्टर में, यानी कि सीसीटीवी फील्ड में आपने ट्रेनिंग दी है, तो उस सेक्टर में, उस शहर में, इतना बॉन्डेड आप कर सकते हैं, उस शहर में 2 साल तक काम नहीं करना है, उस शहर में, उस सेक्टर में 2 साल तक ना तो जॉब करनी है ना तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप दूसरे सेक्टर का काम कीजिए, दूसरे सेक्टर में जॉब कीजिए, दूसरे सेक्टर में जो है अपना बिजनेस शुरू कीजिए, बट उस शहर में आप वही करना चाहते हैं तो दूसरे शहर में जाकर शुरू कीजिए, बट उस शहर में आप नहीं कर सकते। इससे आपकी कंपटीशन थोड़ी कम हो जाएगी और आप अपने दुश्मन को खड़ा नहीं कर सकेंगे जाने अनजाने में, और वो भी एक टर्म्स में बंधा रहेगा। अगर मन में उसके चोर है या फिर बाद में चोरी आती है तो इस एग्रीमेंट के तहत वो आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो काम छोड़ने के 2 साल तक वो बात दिया। इसके अलावा अगर ऐसा वो करना ही चाहता है कि नहीं उसे अपने बिजनेस करना है, अपना इन्वेस्टमेंट करना है या कहीं भी जॉब करनी है, आपसे 3 गुना 4 गुना कोई सैलरी दे रहा है, क्योंकि सभी को जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेंड की जरूरत होती है, ट्रेंड पर्सन की जरूरत होती है, ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है, तो ऐसे में आप उस एग्रीमेंट में क्लियर करते हैं, मुझे 20,000 रुपीज चाहिए होंगे ट्रेनिंग फीस के रूप में, आप जब चाहे तब काम छोड़ सकते हैं। जब आप ये डालिएगा तो अगला फिर बाध्य होगा इस चीज के लिए कि हाँ मुझे जो अगले ने इन्वेस्ट किया है, अब मेरे पर इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे 20,000 रुपये देने पड़ेंगे तभी मैं किसी और के यहाँ जॉब कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी फायदा हो जाएगा। इसके बाद एक टर्म्स जो जरूर दीजिए, क्योंकि बंधुआ मजदूर तो आप बनाकर नहीं रख सकते हैं, तो लगातार 5 साल तक अगर आपके यहाँ वो काम करता है तो फिर वह इस बाध्यता से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 5 साल आपके यहाँ काम करता है तो आपने ट्रेनिंग कितनी दी, 1 साल में ट्रेंड हो जाता है लड़का, 2 साल में ट्रेंड हो जाता है, फिर 3 साल तक वो आपके यहाँ जॉब किया, आपको अर्न करके दिया, आपकी कमाई हुई, तो निश्चित तौर पर 5 साल के बाद वो स्वतंत्र हो जाता है, ये एग्रीमेंट ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा, वो कहीं भी काम कर सकता है, अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ये आपको देना होगा, चाहे 5 साल या 6 साल आप लिख सकते हैं। साथ ही समय पे सैलरी देने पर सैलरी आपको बैंक ट्रांसफर करना है या फिर UPI ट्रांसफर करना है, सबके पास फोन पे गूगल पे होते हैं, तो समय पे सैलरी देने पर ही यह एग्रीमेंट जो है लागू रहेगा। अगर समय पे सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि लोग एग्रीमेंट तो करवा लिए बट समय पे सैलरी नहीं दे रहे, 3 महीने 4 महीने में सैलरी दे रहे, तो अगला क्या करेगा। तो ऐसे में समय पे सैलरी नहीं मिलने एडिशन में यह एग्रीमेंट निरस्त हो जाएगा। यह भी टर्म्स में आपको डालना होगा, यह उसके फेवर पे जिस स्टाफ को आप रख रहे हैं, यह भी बहुत जरूरी है, वह भी एग्री करेगा, आसानी से साइन करेगा, क्योंकि वह देखेगा कि मेरी हित भी इसमें है और इस कंपनी की हित भी है। तो यहां पर दोनों तरीके से काम होगा। बाकी और टर्म्स वगैरह अपने हिसाब से आप रख सकते हैं जो आपको जरूरत लगे, लेकिन यह बहुत जरूरी है, अगर आप कुछ टर्म्स को यूज करते हैं, कुछ टर्म्स का पालन करते हैं, कुछ एग्रीमेंट जैसा बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके स्टाफ जो आपके पास काम करके किसी दूसरे के पास चले जाते हैं उसकी संख्या कम होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम YFM सिक्योरिटी के नाम से, तो वहां पर भी जाकर आपको सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।